अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चाइनीज़ चिकन फ्राइड राइस। ये चिकन फ्राइड राइस बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और हम जिस तरीके से बनाएंगे उससे चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे और ना ही चिपके हुए बनेंगे। और हम चिकन को मैरिनेट भी नहीं करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। चलिए तो हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। हमने यहाँ पर 5 मिनट पहले पानी को बॉईल होने रख दिया था, तो पानी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। यहाँ पर हमने 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं, इसको हमने 1 घंटे पहले भिगोकर रख दिए थे। इससे चावल बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और हम इसे डाल देंगे। और इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से हिलाकर ढक दे और इसे अच्छे से बॉईल होने दे। बीच में 1 से 2 बार हमने चावलों को हिला लिया था और चावल अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। हमें चावलों को 80-90% जितना ही बॉईल करना है। अगर हम ज़्यादा बॉईल कर लेंगे तो ये बहुत ही चिपके चिपके बनेंगे। इस तरह हम चावल को चेक कर लेंगे, अगर चावल आसानी से टूट जाए तो अच्छे से बॉईल हो गए। अब हम गैस ऑफ कर चावल को झाल लेंगे। और यहाँ पर कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और यहाँ पर हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको हम ऑयल में डालकर 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। 10 मिनट हो गई है और चिकन बहुत ही अच्छे से पक गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सभी चिकन को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमने 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे पतला काट लिया है और इसे ऑयल में डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमें अदरक को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस लाइटली गोल्डन करेंगे। देखिए बस इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 1 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसको हमने लंबी स्लाइसेस में काट लिया है। इसको भी डालकर अच्छे से हिला लेंगे और इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट इसको पका लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे डालकर अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल हट जाए। 2 से 3 मिनट तक हमने अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया है और अभी हमने जो चिकन फ्राई करी थी उसे हम डाल देंगे। और 1/4 कप सोया सॉस और 1/4 कप ग्रीन चिल्ली सॉस और 1 कप कटी हुई पत्ता गोभी और 1 छोटी चमची नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। 1 छोटी चमची धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच चिकन टिक्का मसाला। और आपके पास चिकन टिक्का मसाला ना हो तो आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हिला लें। और यहाँ पर हमने चाइनीज़ नमक नहीं डाला है क्योंकि हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। चाइनीज़ नमक डाले बगैर ही हमारा राइस बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भुनेंगे और इसमें डालेंगे 1 चुटकी रेड फूड कलर, इससे राइस में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आप डालना चाहे तो डालें वरना ना डालें। हमने इसे बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चावल डालेंगे और इन चावलों को अच्छे से हिला लें और इसे हम हल्के से हिलाएंगे ताकि चावल टूटे नहीं। और सभी तरफ से हम चावलों को अच्छे से हिलाएंगे ताकि मसाला और चावल मिक्स हो जाए। और इसमें डालेंगे 1/2 कप कटी हुई हरी प्याज।
माशाल्लाह हमारा चाइनीज चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही खिले हुए चावल बने हैं और अब हम इसे सर्व करेंगे। हमने जिस तरीके से राइस बनाया है इसी तरीके से आप भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा और आप मेहमानों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और अब हम इसे हरी प्याज और कैप्सिकम से गार्निश करेंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चावलों को ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, बस 80-90% जितना ही बॉईल करेंगे। अगर हम ज़्यादा बॉईल कर लेंगे तो चावल टूटे हुए बनेंगे। और आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।